हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद मेरा एक वीडियो आ रहा है, क्योंकि कुछ टाइम से थोड़ा सा ठीक नहीं फील कर रही थी इसीलिए। और आपके सामने आज मैं फिर से कुछ नया लेके आई हूँ। जी हाँ, आप ये देख सकते हो, ये टेराकोटा आइटम्स हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं, और ये होम डेकोरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इस समय लोग इसको अपने होम डेकोरेशन में यूज़ कर रहे हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ये देख सकते हो, मतलब ये इतना कलरफुल लग रहा है ना, कि मैं इस यहाँ से होके निकल रही थी तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों को तक ये पहुँचाया जाए, और मैंने जल्दी से इसको कैप्चर किया कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना, वो जो रूलर एरियाज़ के लोग जो लोग होते हैं, उनका आउटफिट वगैरह, उनका ऐसे करके ये बनाया गया, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। आप ये देख सकते हैं, आदमी लालटेन लिए हुए, डंडा लिए हुए, लेडी है एक जो मटके में पानी भरे हुए और अपने हाथों में, तो देखिए बहुत सुंदर लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें थी, आप ये देख सकते हो। अब एक बार में अगर दिखाया जाए तो कितनी सारी चीज़ें हैं इन। यहाँ पे एक भैया भी थे जिनसे मैंने रेट वेट के बारे में पूछा था, पर इतनी ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ें थी ना कि मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते थे। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुद्ध जी हैं और लाफिंग बुद्धा हैं, गणपति जी, साईं बाबा, सब लोग थे, और सबके अलग अलग साइजेस में स्टैचू है। आप ये देख सकते हो, ये फाउंटेन है, और फाउंटेन कितना सुंदर लग रहा है। इसमें भी दो साइजेस था, एक ये देखिए छोटा है, एक बड़ा है, और सबसे अच्छी बात ये स्टैंड पे है, तो ये इतने बड़े हैं, और इसका पेयर मिल रहा था, और पेयर जो देखिए 1500 रुपये का, 2500 रुपये का, इस तरह करके था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कोशिश मैंने पूरी करी है कि आप लोग तक ये कैप्चर करके पूरा दिखाया जाए, ताकि आप समझ सकें कि क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि घोड़ा है और एक रथ जैसा बना हुआ है ऊपर से, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये लाफिंग बुद्धा है, जो कि बहुत ज़्यादा लकी होते हैं और अच्छे होते हैं अपने घर में रखना। ये साईं बाबा हैं, और वो देखिए, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बनाई गई हैं, और ये कृष्ण जी को लेके जाते हुए उनके पिताजी जब जेल से जा रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा एक स्टैचू में ऐसे चीज़ें करके बनाई गई है ना, कि उसको देख के हमको याद आ जाएगा। ये गणपति जी की प्रतिमा, कितनी सुंदर स्टैचू है जो है गणपति जी की, आप देख सकते हो, काफ़ी कलरफुल में है। और बेसिकली ये मिट्टी के बने हुए होते हैं, जिसमें ऐसे कलर किए जाते हैं, जिनको टेराकोटा जो आइटम्स बोले जाते हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, कि यहाँ पे कुछ एक जेंट्स बहुत के में थे जो इंस्ट्रूमेंट लिए हुए थे, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे थे यहाँ पे, और इनके लिए एक स्टैंड टाइप का बनाया गया था, जिन पे इनको बिठाया गया था, जो आप काफ़ी हाइटेड लग रहे थे और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जो लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी ऐसे करके बनाए गए थे, तो एक जो लाइन थी वो जेंट्स की थी, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे, लाइक तबला, ढोलक, सितार। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पास से मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए, और कितना बढ़िया, इतना क्लियर बनाया गया है ना, कि देख के अच्छा लग रहा था। और एक एक चीज़ आप देखिए, और इस समय ये बहुत ही ज़्यादा चले हुए हैं होम डेकोरेशन में। आप अपने जैसे फाउंटेन वगैरह है लॉन में रख सकते हैं, स्टैचू है अपन ने ड्राइंग रूम वगैरह में रख सकते हैं। और आप ये देख लीजिए, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। और आप ये देख सकते हैं, ये दिया टाइप का था शेप का, जिसमें भी एक इनको एक ट्री का शेप दिया गया है, और ये मिट्टी का देखिए ट्री है, उसमें जो है लीव्स वगैरह निकले हुए हैं, तो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था ना कि कुछ जेंट्स थे, कुछ लेडीज़ें थीं, जो एक स्टैंड टाइप का बनाया गया था, जिसपे इनको बैठा के इंस्ट्रूमेंट पकड़ाए गए थे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये आप कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं आप इसको, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा था। ये हैंग करने के लिए अच्छा है, और इतना सारा आइटम था, इतनी वैरायटी थी ना, कि अगर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, एक एक चीज़ को, तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाती और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता। तो ये देखिए, दिखाने की तो ऑलमोस्ट मैंने सारी कोशिशें की है, सब कुछ दिखाने के लिए। और ये गणेश जी की जो है वो प्रतिमा, ऐसे भी करके स्टैचू बने हुए थे, एक मैंने आपको बड़ा दिखाया और कुछ इस तरीके के। यहाँ पर देखिए, स्मॉल स्मॉल से गणपति जी हैं, जो कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे से, और ये पेयर में थे, 250 रुपये का पेयर था, और जो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, आप ये देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, और आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है और अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो देख के कोई लाइक कर रहा है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो तो नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, जिससे अगर आप वीडियो देखना भी चाहते हो ना तो फिर वो आप नहीं देख सकते हो। इसलिए अगर बेल आइकन प्रेस कर देंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको वीडियो भी मिलेगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, गणपति जी के मतलब अलग अलग चीज़ें बनाई गई थी ना, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, सुंदर लग रहा था ना। ये लालटेन का शेप था, आप देख सकते हैं, लालटेन तो ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी कैसा है। और आप ये देख सकते हैं, ये मतलब इस तरीके का बना हुआ है ना, मतलब इतना बढ़िया लग रहा था देखने में। और अगर घर में ये आप ये देख सकते हो लाइन से रखा हुआ है, और देख घर में अगर इसको हैंग करा जाए ना तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर सा लगेगा। और आप ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे वो हर एक चीज़ है थी जो हमारी ज़रूरत की है डेकोरेशन में अच्छा लगने के लिए, और अभी तो इसकी बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ देख सकते हैं ये घर का शेप का बना हुआ है, इसमें हम अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो चिड़ियों के लिए खाना और पानी रख सकते हैं जिससे देखने में भी सुंदर लगेगा और चिड़ियों का पेट भी भर जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से चीज़ें हैं तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था। और आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है, और आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। कोशिश मैंने पूरी की थी कैप्चर करने के लिए और किया भी है मैंने, एक एक चीज़ आपको दिखाया और बताया है। और मैंने उन भैया से पूछा था रेट भी, वो बता भी रहे थे, पर वॉइस बहुत ज़्यादा थी गाड़ियों वगैरह की तो नहीं मेरे को ठीक लग रहा, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर लिया। आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और देखते रहिए, बताते रहिए कैसा लग रहा है। और हाँ, लास्ट में ये फाउंटेन ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाउंटेन बनाया गया है, फूल पत्तियाँ, फूल सारा कुछ है, तो ये ज़रूर बताना था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।